ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्राचीन यंत्र जो कि किसी को भी आपके वशीभूत कर सकता है। अति प्राचीन, अति गोपनीय यंत्र जो कि पल भर में आपके बिगड़े काम बना सकता है। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल जो है शिवरात्रि है, और ये पावन पर्व ऐसा होता है जिसमें कि आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। महादेव ने जो है इन सभी तंत्रों यंत्रों का निर्माण किया है, और यदि शिवरात्रि पर इस यंत्र को बना दिया जाए, इस विधि को कर दिया जाए, तो ये स्वतः ही फलित हो जाती है। आपको करना क्या है कि जो तस्वीर आपको सामने दिख रही है ये एक मिस्टिकल डायग्राम है। इसके भीतर आपको देवदत्त लिखा हुआ दिख रहा होगा। देवदत्त को हटाकर अपने साथी की, अपने प्रेमिका की, अपने प्रेमी की, उनका नाम जो है यहां पर आपको लिख देना है, और इसके बाद इस यंत्र को किसी भी अष्टधातु, चांदी, सोना, इनमें धारण कर लीजिए। तो जब तक ये यंत्र आपके साथ रहेगा तब तक जो भी साध्य है वो आपका गुलाम बन के रह जाएगा। ये लगभग 20 साल पहले मैंने अपने किसी एक साधक को दी थी, और उसने जो इसके चमत्कार बताए हैं, सिर्फ यही नहीं और भी जितनों को मैंने दिया सबने इसके सकारात्मक परिणाम मुझे बताए हैं। और शिवरात्रि पर किया गया कोई भी कर्मकांड कभी खाली नहीं जाता। बहुत ही गोपनीय तंत्र है जो कि विरले ही कोई आपको बताएगा। आपको अनेकों यंत्र मिल जाएंगे, अनेकों तंत्र मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सार्थकता जो है उनके रिजल्ट पर होती है। और ये कुछ ऐसा है जो कि हफ्ते भीतर आपको अपनी सार्थकता दिखा देगा। इसकी साधना जो है ये 11 दिनों की होगी। आपको 11 दिनों तक इसकी साधना करनी है। तो शिवरात्रि के सुबह 3:20, जो रात ही समझिए 3:20 से रात के 2:21 तक ये काल रहेगा। इस काल में यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो ये फलित हो जाएगा। इसमें एनर्जी आ जाएगी, ये जीवित हो उठेगा। जब यंत्र जीवित हो उठे तो इसको धारण कर लीजिए, और 11 दिनों तक सिर्फ क्लीम काम देवाए साथी का नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा का जाप करते रहिए। निरंतर ऐसा करने से ये प्रकृति कुछ ऐसा करेगी कि सामने वाला जो भी है वो देखते ही देखते आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। अभी शिवरात्रि के उपलक्ष में हम कुछ ऐसे यंत्र, कुछ ऐसे तंत्र सिद्ध कर रहे हैं जो कि मानव कल्याण के लिए बनाए जाएंगे। उनमें से सबसे सर्वप्रथम रहेगा श्वेतार का गणपति। यदि किसी को भी जॉब में, कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो बस इस श्वेतार गणपति को अपने घर में रखें, मंदिर में रखकर सुबह शाम इसको धूप दीपक दिखाना है, और इसके बाद आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको ये हर लेगा। बस आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें कि कठिनाइयां जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि गणपति को जो है वो विघ्नहर्ता भी कहा गया है। और जब शिवरात्रि में हम इस यंत्र को चैतन्य करेंगे, इसके बाद यूँ समझिए कि स्वयं गणपति ही आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। जिस किसी को भी चाहिए कॉल कीजिएगा 9982161625 पर।
अब आते हैं इस यंत्र पर जो कि मैं आप अभी आपको बता रहा हूँ। तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस यंत्र को आपने अनार की कलम से और कोयले की स्याही से बनाना है। यदि ये सब संभव ना हो तो आप स्केच पेन भी ले सकते हैं, लेकिन असर जो है वो इन्हीं सब से होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसमें असर में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ उसी का प्रयोग कीजिएगा। कोयले और अनार की कलम से आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। निर्माण का समय मैंने आपको बता दिया है, 2 बजे से, सुबह 2 बजे से रात के 2-3 बजे तक आप इसका निर्माण कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन जो कि कल है। तो जब इसका निर्माण प्रारंभ करें तो आपका जो मुख है, आपका मुखमंडल सूर्य की तरफ होना चाहिए। सूर्य की तरफ मुख करके बैठ जाएं, कोई लाल आसन बिछाएं और इस यंत्र का निर्माण करने से पहले अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता से आज्ञा लें कि मैं ये कृत्य करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें और कोई भी विघ्न आए तो उसको हर लें। इसके बाद इस यंत्र का निर्माण करना शुरू करें। याद रहे कि जब आप इसका निर्माण करें तो आपके आसपास, आपके समीप कोई भी ना हो। जब आप एकांत में हो तब इसका प्रयोग करें। कोई ऐसा कमरा लीजिएगा जो कि परे हो सब लोगों से, आप सिर्फ एकांत में हो, या फिर कोई गुफा हो, कोई पहाड़ हो, कोई ऐसा वन क्षेत्र हो जहां पर आप जा सकें, वहां पर जाकर इसका निर्माण करके आएं। और फिर इसको चांदी के ताबीज़ में, सोने के ताबीज़ में या फिर अष्ट धातु के ताबीज़ में पहन लें। पहनने के बाद वापस आ जाएं और जो मंत्र मैंने बताया आपको, क्लीम काम देवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा का जाप करें। अमुक की जगह साध्य का नाम लेना है। और इसके बाद आपको 11 दिनों तक ये प्रयोग करते रहना है। आपको 1-2 दिन में इसका असर दिख जाएगा, लेकिन इस प्रयोग को रोकना नहीं है। कम से कम भी 11 दिन तो आपको करना ही है, चाहे साध्य पहले ही दिन क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको 11 दिनों तक इसको पूरा करना है। पूरा करने के बाद जब साध्य पूरी तरह से आपके वश में हो जाए तो जो ताबीज़ है उसको निकाल कर किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि सूरज की रोशनी ना जाती हो। किसी बंद डब्बे में पैक करके किसी बक्से में रख दें, किसी अलमारी में रख दें। और जब तक ये ताबीज़ आपके पास रहेगा, यूँ समझिएगा कि सामने वाले की अपने आत्मा को अपने वश में कर लिया है। तब तक सामने वाला बस आप ही की माला जपेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि जैसा मैंने आपको बताया है सारा कुछ उसी प्रकार से आप कर देते हैं तो ये रामबाण इलाज साबित हो सकता है। बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं गुरु जी हमारा काम नहीं हुआ और ये सब जो है ये सब मिथ्या है, तो मैं कहूँगा आप सही कह रहे हैं, क्योंकि करने वाले कर जाते हैं और जो दोष निकालने वाते हैं, जो दोष निकालने वाले होते हैं वो दोष निकालते रह जाते हैं। मेरे पास लाखों ऐसे असंख्य प्रयोग हैं जो कि पहली बार में काम कर जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो कि बीच में आकर कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ और ये जो सब है ये सब मिथ्या है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने भीतर झांकिए, क्या आपने वो सब कुछ सही से किया था, क्या जो भी मटेरियल था वो सब ओरिजिनल था। तो ये सब देखने के बाद ही इस साधना में आइएगा। और जो भी कुछ मैं बताता हूँ, जैसे कि शहद में बताता हूँ, तो वो कोई भी ब्रांडेड शहद मत लीजिएगा आप। आपको शहद लेना है जो कि छत्ते से तोड़ कर लाते हैं मोम के साथ, क्योंकि जो आजकल शहद आता है वो चीनी की चाशनी हो गई है, तो वो असली शहद नहीं है। यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9999841625 पर। यदि कोई भी सामग्री चाहिए तो जाइएगा kalividya.com पर, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।